हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका और मैं हूं आपका दोस्त केके डामो। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप भी अपना YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाएं। सबसे पहले आप गूगल सर्च बार में जाइए और टाइप कीजिए YouTube। टाइप करने के बाद में आप सर्च कर पाएंगे, सबसे पहले YouTube की साइट दिख जाएगी www.youtube.com। तो इसमें आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आप अपने गूगल खाते से साइन इन कर लीजिए। अगर आपने गूगल खाता नहीं बनाया है तो गूगल अकाउंट आप पहले बना लीजिए। मैं अपने गूगल खाते से इसमें इंटर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी गूगल खाता बना रखा है, इस वजह से मैं यहाँ से सीधा वेरीफाई करके इंटर हो रहा हूँ। साइनअप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, गूगल का साइनअप बहुत ही आसान है। तो आ गया हूँ मैं YouTube की सर्च रिजल्ट में और आप देख सकते हैं मेरा Google खाता है। उस पर क्लिक करके मैं बता देता हूँ आपको कि ये इस तरह से खुल गया है Google खाता। इसके अंदर सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। YouTube को खोल लेते हैं दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर हमारी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करें। ये खुल चुका है मेरा YouTube का चैनल, YouTube का इंटरफेस खुल चुका है। हालांकि अभी मैं इसमें साइन इन नहीं हूँ, मैं इसे साइन इन इसमें आप ऊपर की तरफ से अपने खाते में जाइए और अपने गूगल प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करने के बाद में आप सेटिंग में जाइए। इसके बाद में आप देख पाएंगे आपका प्रोफाइल पिक्चर के साथ में कि मेरा चैनल ऑलरेडी पहले बना हुआ है टेक्नोलॉजी की दुनिया। और मैं नीचे कर रहा हूँ सी ऑल माय चैनल्स और क्रिएट न्यू चैनल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में मैंने ऑलरेडी दो चैनल पहले बना रखे हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में रन कर रहा हूँ और ये दूसरा चैनल बना हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू चैनल बनाकर आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप आसानी से ये चैनल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले प्लस के आइकन को देखकर आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ क्लिक करने के बाद में आप यूट्यूब चैनल के आगे के इंस्ट्रक्शन को देखकर फॉलो करते जाइए। मैंने यहाँ पर प्लस के आइकन को क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू क्रिएट ए न्यू चैनल क्रिएट ए ब्रांड अकाउंट, ब्रांड अकाउंट नेम। यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। चैनल का नाम यहाँ पे अपने हिसाब से मैं यहाँ पर मेरा नाम डाल देता हूँ टेक्निकल के और फिर नीचे क्रिएट पर ऊपर देख सकते हैं आप टेक्निकल के लिखा हुआ है, होम पेज है ऑल डजंट हैव एनी कंटेंट। तो इस ये नया चैनल है, इसमें कोई कंटेंट नहीं है मेरा, इसलिए यह इस तरह का। जब मैंने यहाँ पर टेक्निकल के को कॉपी कर लिया है और आप देख सकते हैं टेक्निकल के अपलोड्स Only you can view. You don't have any public recent uploads, so this will not appear on your channel to add content. Upload video. वीडियो को अपलोड करने के लिए मैंने यहाँ कस्टमाइज चैनल पर क्लिक किया है। यहाँ से आप अपना प्रोफाइल पिक्चर सेट कर सकते हैं, एडिट चैनल आइकन, आप कुछ भी अपना चैनल का आइकन बनाकर यहाँ पर डाल सकते हैं। चैनल के आइकन कैसे बनते हैं इसके लिए मैंने पहले भी इसके संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ से एड चैनल आर्ट है, एड वो चैनल आर्ट आपकी बनी हुई है। अगर आपकी फॉर आपकी कंप्यूटर के अंदर आपने पहले से बना रखी है, चैनल आर्ट कैसे बनाते हैं, कहां से बनाते हैं, इसकी जानकारी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर इसे भी देख सकते हैं। जो भी फाइलें आप यहां से चूज़ करना चाहे चूज़ करने के बाद में अपलोड कर दीजिए आपका चैनल। चैनल आर्ट में आपने सीखा, आप अपने अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो, अपने फ़ोटो से ले सकते हैं फ़ोटो से और अपनी गैलरी से भी यहां पर कोई भी फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं।
चैनल डिस्क्रिप्शन में आप अपने चैनल के बारे में जो भी जानकारी है, आप किस बारे में चैनल बना रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी आप आसानी से यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप अपना जो भी चैनल का डिस्क्रिप्शन है इसे टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद में इसके बाद में अगर आप यहाँ पर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए और आप अपनी गैलरी से वीडियो को, आप चाहे तो आप अपने इंपोर्ट वीडियो के लिए आप अपने गूगल फोटो से भी यहाँ पर फ़ोटो अपलोड वीडियो अपलोड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, आपके पास में वेबकैम है या आपके पास लैपटॉप है तो आप सीधा लोगों से इंटरेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर अपलोड में कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, पब्लिक, प्राइवेट, शेड्यूल्ड, और तो उसमें आप जो भी चाहे उसमें से चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज अगर आप देखें तो लैंग्वेज के मामले में यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। और लोकेशन, आपकी लोकेलिटी आप डाल दीजिए, यहाँ सभी कंट्रीज़ की लोकेलिटी दे रखी है। यहाँ पे आप लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो इतनी सारी यहाँ पर लैंग्वेज आपको शो हो जाएंगी। अगर आप चाहे तो हिंदी चूज़ कर सकते हैं। मैं हिंदी पर क्लिक करके आपको एक बार बता देता हूँ कि किस प्रकार हिंदी के मेनू को आप देख पाएंगे। हिंदी लैंग्वेज लोड हो रही है। हिंदी लैंग्वेज के साथ ही ये आपका पूरा इंटरफेस हिंदी लैंग्वेज में हो जाएगा। जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं हिंदी भाषा में समझ पाएंगे। यहाँ पर हिंदी में हो गया सार्वजनिक, सूचीबद्ध, प्राइवेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाएगी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ समस्या होने के कारण ऊपर का टूल बार नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड वीडियो में जाकर आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे की तरफ आप गो लाइव में जाकर लोगों के साथ में सीधा लाइव जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सुपर चैट का ऑप्शन भी मिलेगा। आपका चैनल जैसे जैसे ग्रो करेगा इसके बाद में यूट्यूब आपके चैनल पर नई नई चीज़ें अपलोड और नई नई अपडेट्स देता जाएगा ताकि आप और अच्छे से ग्रो कर सको और आप नए फीचरों को उपयोग कर सको। आप यहां पर गेट स्टार्ट कर दीजिए गो लाइव एनी टाइम फॉर एनी रीज़न। नोटिफिकेशन में आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी यूट्यूब से या अपने दोस्तों, अपने सब्सक्राइबर, जिन भी लोगों से जो भी सूचनाएँ आएगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो है, क्रिएटर स्टूडियो जहाँ पर दोस्तों आप है यूट्यूब स्टूडियो बीटा के अंदर ये अपडेट हो चुका है। पहले इसका इंटरफेस कुछ अलग तरह से आता था, अब ये बीटा डैशबोर्ड भी आने लग गया है। सॉरी, अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ में आप अपने वीडियो को मैनेज कर सकते हैं। विजिबिलिटी, डेट, व्यू, कमेंट, लाइक और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके बाद नीचे देख पाएंगे, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स में जाकर आप अपने वीडियो की ग्रो, कितने व्यूअर है, कितने सब्सक्राइबर है, कितने इंटरेस्ट व्यूअर है, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर फनल की तरह से एक व्यू दे रखा है, यहाँ से भी आपने ट्रैफिक सोर्स है और ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख पाएंगे। इंटरेस्ट व्यूअर के अंदर आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरह के इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग और किस तरह के वीडियो पसंद कर रहे हैं, कौन सी एज के लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर आप टाइम देखेंगे तो लास्ट 3 महीनों का, लास्ट 2 साल का, लास्ट टाइम का, लास्ट 7 डे, लास्ट 28 डे, लास्ट 90 डे और लास्ट 365 डे, ये सारी चीज़ें आप एक साथ में कहीं से भी कोई भी सेलेक्ट करके आप अपने डाटा को देख पाएंगे। ये चैनल मैंने आपको सिर्फ सिखाने के पर्पज़ से बनाया है, इसमें कुछ भी डाटा डाला हुआ नहीं है, किसी भी प्रकार का वीडियो डाला हुआ नहीं है। इसलिए मैं आपको सीधा इसके अंदर जेंडर के हिसाब से कितने लोगों ने किस तरह सर्च किया, कौन से एज ग्रुप ने ज़्यादा आपकी वीडियो को देखा या सर्च किया, ये सारी जानकारी आपको इस एनालिटिक के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद में कमेंट के अंदर आप होल्ड योर रिव्यू, लाइक स्पैम और नीचे आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट, इसके बाद में लाइव स्ट्रीम, इसके बाद में ट्रांसमिशन, ट्रांसलेशन, स्टेटस फीचर्स, ऑडियो लाइब्रेरी, कस्टमाइज चैनल और मोर, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से जब भी आप चाहे उसे यूज़ कर पाएंगे।
यहाँ पर सेटिंग्स में देख सकते हैं क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक या यूट्यूब स्टूडियो बीटा, इन दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप उन दोनों में से कोई भी यूज़ कर पाएंगे। नीचे की तरफ आप देखेंगे ये हेल्प का टैब है। हेल्प के टैब में जाकर और ये है थैंक्स फॉर टाइपिंग आउट द न्यू एक्सपीरियंस, आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ कि जो डैशबोर्ड आया है वो नए तरीका का डैशबोर्ड है। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नए टेक्निकल नए वीडियो हमारी देख